The descent has begun. तो दोस्तों आपका स्वागत है वापस से WWE 2K18 में. मैं हूं हेमंत जी एंड आप देख रहे हैं WWE 2018 SummerSlam के predictions. आई होप आप लोगों को मजा आएगा. दोस्तों फटाफट लाइक ठोकना ना भूलिए इस एपिसोड पे. अगर आपको और predictions चाहिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ. एंड आज जिस मैच के साथ हम स्टार्ट करने वाले वो होगा फॉर द WWE Championship, AJ Styles वर्सेस Samoa Joe. तो एकदम धमाकेदार मैचअप यहाँ पे. दोनों ही रेसलर्स बहुत ही टेक्निकली गिफ्टेड, बहुत ही बेहतरीन एंड मेन इवेंट बनने लायक ये मैच है भैया. AJ Styles जो अभी WWE चैंपियन है, ही विल बी डिफेंडिंग अगेंस्ट Samoa Joe. लेकिन AJ Styles अभी तक कमाल की अपनी चैंपियनशिप रेन चला रहा है. मनी इन द बैंक में उसने शिंसुके नाकामुरा के अगेंस्ट उसने अपना टाइटल डिफेंड किया. एंड फिर दूसरी तरफ एक्सट्रीम रूल्स 2018 में रूसेफ के अगेंस्ट उसने अपना टाइटल डिफेंड किया बहुत ही बेहतरीन तरीके से. लेकिन अब हम बात करते हैं Samoa Joe की. वो वापस आ चुका है स्मैकडाउन पे एंड उसने अपनी नजर डाली सीधा ही WWE चैंपियनशिप पे. उसने पीछे से जाके अटैक किया AJ Styles को ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग आल्सो एंड ये राइवलरी वहीं से बढ़ते ही गई. तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या होगा इस मैच में, कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, AJ Styles या फिर शिंसुके नाकामुरा? आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं या तो आई बटन पे वोट कर सकते हैं. मेरा मानना है, मेरा प्रेडिक्शन होगा इस मैच के लिए कि AJ Styles विल रिटेन हिज चैंपियनशिप समहाउ. तो अब हम बढ़ते हैं सीधा WWE 2K18 की तरफ. गेम में फास्ट मोमेंटम, लेजेंड डिफिकल्टी, हियर वी गो. तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है टू समर स्लैम. सबसे पहले रिंग की तरफ बढ़ेगा द चैलेंजर Samoa Joe, द डिस्ट्रॉयर, Samoan सबमिशन मशीन. एंड इसके कोकीना क्लच से या जो भी इसके खतरनाक सबमिशन है उसके बच के रहना पड़ेगा. हमारी वो वीकनेस भी है इसलिए मारने का मौका ही नहीं देंगे. चैंपियनशिप का भूखा लग रहा है लेकिन सामने से निकल के आया द फिनोमिनल वन AJ Styles, WWE चैंपियन. बहुत ही अच्छी चैंपियनशिप रेन, किसी को अपने टाइटल पे हक नहीं जमाने दिया. बहुत सही डिफेंस रहे इसके, लेकिन ये काफ़ी टफ अपोनेंट होने वाला है. बहुत ही बेहतरीन मैच होने वाला है. लेट्स सी क्या होता है इस धमाकेदार बॉम्ब ब्लास्टिक मैच के अंदर. WWE चैंपियनशिप ऑन द लाइन, दाव पे लग चुका है ये चैंपियनशिप बेल्ट. एक तरफ Samoa Joe रेडी, दूसरी तरफ AJ Styles अबाउट टू फ्लाई. ये बजी घंटी, AJ Styles भागते हुए विद अ फ्लाइंग क्लोज लाइन. मौका नहीं दिया जा सकता डिस्ट्रॉयर को. एक बार उसने मारना चालू किया, हैवी डैमेज लेगा हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा. बहुत ही अच्छा रिवर्सल यहाँ पे, टपली मारी उसने सर के पीछे. लेकिन AJ Styles फुर्ती दिखाते हुए नेक ब्रेकर में कनेक्ट किया उसको, वहीं पे ढेर भागते हुए आया विद दैट एल्बो ड्रॉप. थोड़ा सा बुरा कनेक्शन लेकिन नॉट बैड. छाती पे लात, चॉप मिस हुआ यहाँ पे, लेकिन पंचेज एंड लातों की बौछार कर दिए. पकड़ पकड़ के पेला जा रहा है, ताकत के साथ उठा के फेंका है. ये हुई ना AJ Styles चैंपियन वाली बात. बड़ा सा आयरिश व्हिप इनटू द कॉर्नर एंड एक और क्लोज लाइन. ढेर कर दिया गया Samoa Joe को एंड AJ Styles ऑन टू द टॉप रोप. अभी से हाई फ्लाइंग मूव उसने टॉन्ट किया Samoa को. ही इज नॉट गोइंग टू गिव अप, इतना आसान नहीं होने वाला. लेकिन क्रॉस बॉडी उछलते हुए Samoa Joe टेक्स अ लीव यहां से, रिंग से बाहर. रोप्स का सहारा लेना पड़ रहा है उसको उठने के लिए, लेकिन AJ Styles उसको सांस लेने का मौका तक नहीं दे रहा. बहुत ही अच्छा बैक ब्रेकर, एप्रन का यूज किया यहाँ पे AJ Styles के पास सिग्नेचर मूव एंड रिंग के बाहर ही उठा लिया उसने. लुक एट दैट, क्या खतरनाक नेक ब्रेकर था. गर्दन टूट सकती है ऐसे मूव में. एंड Samoa Joe इज टेकिंग हिट्स आफ्टर हिट्स, हिट्स आफ्टर हिट्स एंड अचानक से उसका नी आया हमारी तरफ. उसने रिंग के बाहर हमें उठा लिया एंड पट का दूसरी तरफ स्टील स्टेप्स पे हमारा पांव लगाया. एनवायरमेंट में और भी ज़्यादा डैमेज, काउंट आउट चालू है. AJ Styles को फुर्ती दिखानी पड़ेगी एंड वही किया उसने. बैक इन द रिंग, पंच मारेगा वो Samoa को अंदर आते ही. Samoa रिकवर करते हुए, 7 काउंट आउट हो चुका है. रेफरी हमें उसकी तरफ जाने नहीं दे रहा. Samoa इसका फायदा उठा सकता है तब तक. लेकिन क्या पंच मारा है, क्या पंच मारा है, उसकी मुंडी घुमा दी यहाँ, गर्दन से पकड़ लिया है. पूरा कंट्रोल है मैच का हमारे चैंप के पास. उसने रोप्स पे लटकाया, OMG मोमेंट यहाँ पे. Samoa को फिर दोबारा रिंग के बाहर. इज ही अबाउट टू फ्लाई, सुसाइड डाइव फ्रॉम द टॉप. क्या बात है,
बिल्कुल समरसॉल्ट मारते हुए समोआ के सीधा सर पे, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा रिस्की। ये है अपने चैंप की निशानी, वो रिस्क लेना जानता है परफेक्ट तरीके से। टाइम था, कैलकुलेटेड था बिल्कुल। एजे स्टाइल्स बाहर से कूदता हुआ, व्हाट अ फ्रॉग स्प्लैश, समोआ की बत्ती गुल हो रही है यहाँ पे धीरे धीरे। गोइंग फॉर दैट बैक ब्रेकर, पीठ आज इसकी चकना चूर हो जानी है। चारों तरफ से ऑडियंस पागल होते जा रही है इस मैच को देखते हुए। समोआ ने काउंटर किया अचानक से एंड उठा के पीछे बैक ड्रॉप पे सुप्लेक्स, बहुत ही तगड़े है इस बंदे के एंड बहुत ही वेरिएशंस हैं इसके पास। घसीटते हुए बिल्कुल रिंग के बीच में, इज ही लुकिंग फॉर अ सबमिशन, हाथ तोड़ने की कोशिश कर रहा है वो, एक ना एक बॉडी पार्ट को वो वीक करेगा जरूर। समोआ ने उठाया हमें एंड पटक दिया एजे ने उसको दूसरी तरफ। यहाँ पे सिग्नेचर मूव लगाया, घुमाते हुए काफ क्रशर में, यहाँ पे टैप आउट सीन उल्टा पड़ चुका है। एजे पूरा प्रेशर डालता हुआ उसके पाँव पे, लेकिन अभी जान बहुत समोआ के अंदर, वो निकला उस सबमिशन होल्ड में से। पंगे नहीं लेने चाहिए थे हमें समोआ के साथ, घसीटते हुए ले जा रहा है एंड मुंह के बल पटक दिया उसने, व्हाट अ स्नेक आई। एजे स्टाइल्स के ऊपर पिन, रेफरी सीधा सीन पे, टू पे किक आउट। कम ऑन एजे, वी कांट गिव दिस अप। लात मारते हुए दूसरी तरफ, सिग्नेचर मूव है, लात पड़ी सीधा गर्दन के पीछे, इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव। बिल्कुल कोने में ले गया समोआ भागते हुए, क्या उसने सिग्नेचर मूव लगाया? नहीं, वो तो कुछ और ही करना चाहता है, कुछ ज्यादा ही बड़ा, टॉप रोप पे बिठा दिया उसने। सुपर मूव के लिए गया है फ्रॉम द टॉप रोप, क्या हम रिवर्स कर पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल यहाँ पे। गोइंग फॉर दैट बटरफ्लाई सुपर फ्लेक्स, धमाकेदार पीठ तोड़ू मूव। समोआ जो स्टॉक करते हुए अपने अपने एंड कूद गया वो नी के साथ नी पे। एजे स्टाइल्स काफी डैमेज ले चुका है इस सीन में, उठा वो जरूर एंड पूरे नागे के साथ नीचे। समोआ अचानक से खतरनाक पंती दिखाते हुए यहाँ पे, अरे भाई साहब, एजे को रिवर्सल करना बहुत जरूरी था। मुक्के पे मुक्का, पावर बॉम्ब से निकला एंड ये कोने में, व्हाट अ गुड मूव भाई, व्हाट अ गुड मूव। एजे के पास सिग्नेचर मूव, बिल्कुल रिंग के बीचों पटका जाएगा, सर के बल फेंका उसको, सर के बल फेंक दिया गया। एजे के पास पूरा मोमेंटम, ही इज कॉलिंग हिम आउट, इट्स टाइम फॉर द फिनोमिनल फोरआर्म, बिल्कुल मुंह पे करेक्ट हुआ, सॉलिड टारगेट, बूम, आवाज पूरे स्टेडियम में गूंजी, क्या कनेक्शन था, एपिक मूव, सीधा पिन के अंदर, 1 2, ओ तेरी। समोआ हार नहीं मान रहा, समोआ नॉट गिविंग अप। अब एजे को और गुस्सा आया, उसके पास दो फिनिशिंग मूव हो चुके हैं। आयरिश व्हिप, ये फेंका, नीचे से गए हम लोग एंड भागते हुए, लेकिन समोआ ने उल्टा हमें बाहर फेंक दिया, क्या बात है, समर स्लैम पे धमाका आते हुए यहाँ पे। लेकिन एजे एक भी एरिया खुला नहीं छोड़ा उसने, हर एरिया कवर्ड है उसका, हर जगह से रिवर्सल पे रिवर्सल, सर फाड़ दिया उसने, खून से लत पता दिया उसको। Is he about to fly? Yes, he is. Springboard. बहुत ही खास स्प्रिंगबोर्ड मूव था ये एंड चार्ज फिनिशर लग चुका है। एजे उसको उठा पाएगा क्या? हैवी वेट समोआ को उठा पाएगा? बिल्कुल, here comes the styles clash. Boom. रिंग के बीचों बीच, नो डिफेंस, 1 2, व्हाट चैंपियन भाई बिलीव नहीं कर पा रहा, कैसे वो अपना टाइटल डिफेंड करे, बट उसने साइन दे दिया है बुलेट क्लब सोसाइटी को, दी चैंपियंस क्लब को। हियर वी गो, एजे स्टाइल्स फ्रॉग स्प्लैश के साथ, 1 2, समोआ भाई एपिक फाइट देते हुए हमें। आई कांट बिलीव दिस, ही कांट बिलीव दिस, क्या करे एजे, फिर दोबारा टॉन्ट। समोआ को अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा, बहुत ही सही यार, फोरआर्म मारा उछलते हुए ऊपर से इस बार। हियर वी गो, सिग्नेचर मूव, तीसरी बार, बूम सर के बल, बूम सर के बल गया। एजे क्या ट्राई करे क्या नहीं, कितने ऊपर से फिनोमिनल फोरआर्म मारे,
कम ऑन समोआ, सर घूमता हुआ उसका एंड मुंह पे पड़ी दूसरी बार। समर स्लैम रिप्ले बनता है, बूम मुंह पे, सीधा पिन में जाना पड़ेगा फटाफट रेफरी। 1 2 इम्पॉसिबल, समोआ ने अपना फिनिशिंग मूव किया टू सेव हिमसेल्फ, एक लास्ट एफर्ट उसकी तरफ से। एजे तब भी उसका मौका नहीं देना चाहता, थक चुके दोनों रेसलर्स, पूरी तरह से थक चुके। एजे को कुछ और भी बड़ा और भी रिस्की करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड 720 स्प्लैश, 720 स्प्लैश यहाँ पे, स्प्रिंग बोर्ड मून सॉल्ट। क्या चाहते हो भाई समोआ, क्या चाहते हो? एल्बो ड्रॉप, ही इज अबाउट टू फिनिश दिस, कम ऑन बॉयज, कम ऑन। एजे टॉन करता हुआ अपने क्लब को, यू हैव टू राइज। एजे के सपोर्ट में रेफरी बीच में आता हुआ डिस्क्वालीफाई ने कर दे एजे स्टाइल्स को। क्या आपको लगता है कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है इस मैच में? क्या पता कोई बदला लेने आ जाए, हु नोज। समोआ ने दूसरी तरफ से इशारा किया टू फिनिश हिम ऑफ, उसके पास सिग्नेचर मूव एंड उसने लगा दिया काइमेरा प्लेक्स, पहला सुप्लेक्स आया। चेंज करेगा वो टेक्निकलिटी, बूम दूसरा, मॉडिफाई करते ही जा रहे वो हर सुप्लेक्स को। एंड तीसरा सीधा पीछे की तरफ, एजे का सर घुमा दिया उसने, लेकिन एजे फाइट्स बैक, एजे स्टाइल्स फाइट्स बैक। समोआ का फिनिशिंग मूव नहीं खा सकते, डेडली है बहुत ही डेडली, लेकिन अपना सबमिशन मूव फिर दोबारा ट्राई करते हुए यहाँ पे, विल ही टैप आउट? बहुत ज्यादा पेन में समोआ, बहुत ही ज्यादा पेन में, लेकिन देखिए उसकी ताकत। ना बाबा ना, आज नहीं, आज नहीं। लेकिन समोआ के पेट पे लात मारा, उठा लिया, अरे तेरी, उठा नहीं पाया वो, सुपर हैवी वेट, बहुत ही वेट डिफरेंस यहाँ दोनों के बीच में। अबे तेरी, घसीटते हुए ले जा रहा है ये। समोआ ने नीचे की तरफ स्नैपमेयर के साथ लेटाया हमें, हाथ तोड़ना स्टार्ट किया इसने। कम ऑन समोआ प्लीज, बहुत सही, बहुत सही टाइमिंग यहाँ पे, लेकिन वो भी काउंटर किया समोआ ने, टांग नहीं खींचने दी उसने। समोआ बाहर आया, एजे अंदर, क्या कोई स्ट्रैटेजी इसके पीछे? बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी यहाँ पे, दिस विल बी इट, द अल्टीमेट स्टाइल्स क्लैश, बूम रिंग के बीचों बीच। कम ऑन रेफरी, रोप ब्रेक, एंड समोआ नी के साथ हमारे मुंह पे। एजे ने फिर लीव ली वहां से, वो रिंग में नहीं रहना चाहता, दोनों के अटैक्स मिस हो रहे, दोनों बहुत थके हुए। ओ जॉ ब्रेकर बहुत ही तगड़ा, मैच अल्टीमेट बन गया है, समोआ को दूसरी तरफ फेंक दिया गया। एजे अंदर रिंग के, काउंट आउट चालू, सांसें भरता हुआ, कम ऑन टॉन्ट्स मारता हुआ, क्या समोआ रिंग में वापस पहुंच पाएगा? काउंट आउट चालू है भाई, आ जा अंदर, 6 काउंट आउट, उसका तो सर ही घूम रहा है भाई, सर ही घूम रहा है। आ रहा आ रहा आ रहा, स्प्रिंग बोर्ड मून सॉल्ट, गजब। एजे नॉट गिविंग अप, ही वांट्स हिज टाइटल बैक, ऐसे तो नहीं जाने देगा, भागते हुए आया। एंड एजे ने पूरा गेम पलटा यहाँ पे, समोआ ने हाथ तोड़ा, चॉप लगाए, गोइंग फॉर दैट ब्लडी गुड पावर बॉम्ब, सीधा पिन के अंदर, रो ब्रेक, बच गए हम लोग। उसने अपना सबमिशन मूव लगा दिया था दो फिनिशर यूज करते हुए, लेकिन बचे हम लोग किसी तरह। दिस हैज टर्न इनटू वन हेल ऑफ अ मैच। एजे भागने की कोशिश करता हुआ, वो सर अलग कर देगा धड़ से। एजे का रिवर्सल बहुत अच्छे, दूसरी बार पंच, क्या इस बार सिग्नेचर मूव काम करेगा? काफ क्रशर के लिए फिर दोबारा रोप से दूर ले जाना पड़ेगा, सब कुछ रोप के पास हो रहा है, सबका सब रोप के पास हो रहा है यहाँ पे। एजे स्टाइल ऑन द एप्रन, कम ऑन, ढूंढता वो अपने टारगेट को, समोआ अनकॉन्शियस, पता नहीं उसको डायरेक्शन, मुंह पे पड़ा स्टाइल्स फोरआर्म, फिनोमिनल वन, बूम, तीसरी बार मार रहा है भाई, तीसरी बार स्ट्रेट इनटू द पेन। 1 2 3 चैंप इज स्टिल द चैंप,
ये हुई ना बात, AJ Styles retains his WWE Championship. बहुत ही टफ मैच यहाँ पे, दोनों रेसलर्स ने अपना बेस्ट दिया, होपफुली आपको भी मजा आया इसमें. तो थैंक यू सो मच गाइज, ये था आज का मैच, आई होप आपको मजा आया. मुझे बताना ना भूलिए कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, AJ Styles या फिर समोआ जो. आप लोग आई बटन पे भी वोट कर सकते हैं अपने फेवरेट सुपरस्टार के लिए. एंड कुछ वुमेन्स मैचेस भी होने वाले, एक तरफ है एलेक्सा ब्लिस वर्सेस राउंडा राउजी, वहां पे मुझे लगता है कि एलेक्सा ब्लिस विल समहाउ रिटेन हर चैंपियनशिप, कुछ ना कुछ गड़बड़ी वहां पे होगी. एंड दूसरी तरफ है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच, बेकी लिंच शार्लेट एंड कामेला, वहाँ पे मुझे लगता है कि कामेला विल रिटेन हर टाइटल. उसके तरफ वो जेम्स एल्सवर्थ भी है, आई थिंक बेकी लिंच एंड शार्लेट के बीच में लड़ाई हो सकती है. तो दोस्तों आप लोग बताना ना भूलिए कि आपको क्या लगता है इनमें क्या हो सकता है एंड कौन जीतेगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ फॉर मोर प्रिडिक्शंस. तब तक के लिए बाय बाय.